तुम झूठे जन्म गवाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे के घर झूठाया, झूठे ते परिचाया, झूठे के घर झूठाया, झूठे ते परिचाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे के घर झूठाया, झूठे ते परिचाया, झूठी थारी झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया, भोजन झूठे ले सब खाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे के घर झूठाया, झूठे ते परिचाया, ते परिचाया, ब्याह रचाया, झूठे ब्याह रचाया, झूठे के घर झूठाया, झूठे ब्याह रचाया, झूठे ब्याह रचाया, ब्याहन आया, झूठे ब्याहन, झूठे ब्याहन आया, झूठे ब्याहन आया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे के घर झूठाया, झूठे ते परिचाया, झूठे ते परिचाया, झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे बालक आया, झूठे बालक आया, झूठे बालक आया, झूठे बालक आया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे के घर झूठाया, झूठे ते परिचाया, परिचाया, झूठी छाती झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया, झूठा दूध पिलाया, झूठी छाती झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया, झूठा दूध पिलाया, नर तुम गाइए, झूठे ते परिचाया, झूठे ते परिचाया, साच कहूँ मैं झूठ ना बोलूं, साचे को झूठ लाया, साचे को झूठ लाया, साच कहूँ मैं झूठ ना बोलूं, साचे को झूठ लाया,
कोई मन साचा अपने माही समाया, अपने माही समाया। कहे कबीर सोई मन साचा अपने माही समाया, अपने माही समाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, समझेंगे क्या कह रहे हैं। बिना समझ के भजन गाना उचित नहीं। तो नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचाया। कि झूठे के घर झूठा मेहमान आ रहा है और झूठा उसका परिचय हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो चाहे इसको मेहमान के केस में देख लीजिए, तो एग्जाम्पल है बाहरी, बात बहुत ही गहरी कर रहे हैं, गूढ़ बातें हैं। तो बच्चा भी जैसे आता है तो झूठे एक घर में आता है, घर का होना ही अपने आप में एक झूठ होता है। तो झूठे के घर झूठा आया, तो बालक आया और उसको झूठे ते परिचाया, और झूठे थे क्या परिचाया कि ये तुम्हारे माँ हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ऐसे परिचाया ना। हाँ, यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो गई, यहीं से झूठ की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप हैं, दैहिक माँ बाप, देह के माँ बाप जो हैं, वो बाद में आते हैं, पहले तो असल पिता आते हैं, जिसके वजह से वो बालक आया। और ना सिर्फ बालक, उसके माँ बाप भी यहाँ इस यहाँ पे हैं, है कि नहीं। तो पर ये काम करते नहीं। सबसे पहला क्या परिचय दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे माता हैं। अब ये माता और ये पिता तो स्थूल रूप में दिख रहे हैं ना, देह स्थूल है, दैहिक माँ बाप हैं, देह से माँ बाप हैं। तो देह से देह का जन्म हुआ है, सिर्फ देह का तो जन्म नहीं हुआ ना, उसके अंदर तो आत्मा है, आत्म भी है जो जीवन बन के आई है। तो परिचय दे दिया, ये तुम्हारे माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि किस झूठ की शुरुआत हो जाती है, कि अब उस बालक के मन का जो केंद्र है वो उसके माँ बाप ही बन गए। अब उसकी पूरी दुनिया, पूरा जीवन माँ बाप के ही इर्द गिर्द घूमता है। उसके लिए अब जीवन में, इस दुनिया में सब कुछ जो हैं वो कौन है? माँ बाप हैं। वो काम करेगा जो उनके माता पिता को अच्छा लगता है, जो उनके माता पिता को नहीं अच्छा लगता वो उनको करने से डरेगा, समझ रहे हैं। तो अब उसकी जितनी भी कल्पनाएँ हैं, जो भी उसके निर्णय हैं जीवन के, वो किन के इर्द गिर्द, किस केंद्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? जो माँ बाप, जिनका परिचय करा दिया, देहिक माँ बाप का। असली कर्तव्य क्या था कि जो पहले पिता हैं, परम पिता, उनको बताना है कि तुम परम पिता के वजह से यहाँ पे हो। अब बच्चा कभी नहीं डरेगा, हमेशा सिक्योर रहेगा। ये जो मन हमेशा जीवन भर डरा डरा घूमता है बातों को लेके, इसका रीज़न है सिर्फ यही। क्यों? क्योंकि देहिक माँ बाप की भी लिमिटेशंस हैं, वो सारी चीज़ें पूर्णता में नहीं दे पाते। उनकी भी गलती नहीं है, जब उनको वैसे नहीं परिचय कराया गया तो वो कहाँ से फिर परम पिता का परिचय कराएंगे। तो उनकी अपनी ये लिमिटेशन हो गई, उन्हें जितना पता है वो उतना ही तो उस बालक को बता सकते हैं, और उनके पास जितना है उतना ही तो वो दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनके खुद के पास नहीं है। तो ये चक्र, ये प्रक्रिया जो है वो चलती आई, चलती आई, चलती आई, और इसी को इल्यूजन बोलते हैं, माया, कि माया फैली हुई है, रेप्लिकेट हो के पैटर्न में चलती आ रही है। तो बालक को तो परम पिता के बारे में बताया नहीं, इसलिए फिर वो अपने जीवन में डरा डरा घूमता है। उसकी माँ अगर 2 मिनट के लिए उसकी आँखों से ओझल हो जाए तो देखिए बच्चा कितना रोता है।
अगर उसको उसके माँ बाप न दिखें पल भर के लिए, तो आप देखिए उसका रोना चिंगारना कैसे शुरू हो जाता है। वो इसीलिए शुरू हो जाता है कि मन डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा। तो एक जो फेथ पूरे एग्जिस्टेंस पे होना चाहिए, वो फेथ कभी नहीं डेवलप हो पाता, वो माइंड कभी सिक्योर नहीं फील कर पाता। तो जो डरा हुआ मन है वो कहाँ से पीस में रहेगा और कहाँ से जॉय में रहेगा? शांति आनंद के रास्ते उसके लिए फिर खुलेंगे ही कैसे? कभी नहीं खुलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक वस्तु को, शरीर क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, मटीरियल है ना, आपने एक वस्तु को बता दिया कि ये तुम्हारे सब कुछ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की उपयोगिता नहीं है या बच्चा उनकी रिस्पेक्ट ना करे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी उपयोगिता है, बहुत है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ हैं लेकिन सब कुछ नहीं है। माँ बाप प्यारे हैं, बच्चे को होने भी चाहिए, उसको केयर देते हैं, अपने जीवन का हिस्सा देते हैं, अपनी मेहनत से, अपने खून से उसकी परवरिश करते हैं। तो बहुत कुछ हैं लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप भी और बालक भी दोनों असली पिता से आए हैं, परम पिता से, आत्म से, वहाँ से आए हैं। तो उस सोर्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस सोर्स के बारे में नहीं बताया और बच्चा ऐसा ही बड़ा हो गया तो डरा डरा घूमता है, इनसिक्योर घूमता है, दुखी घूमता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं और अगर संबंध अच्छे हैं तो सुखी सुखी से रहते हैं, और सुखी मन ही फिर और क्रिएटिव होता है, और अच्छा होता है, उसके संबंध भी समाज से अच्छे होते हैं। और माँ बाप जिनको नहीं मिले होते वो अलग ही तरीके से जीते रहते हैं, दुख में जीते हैं, तो पूरा जीवन ही अलग हो जाता है। तो ये मन ऐसा ही बन जाता है, इसीलिए असल पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वस्तुएं तो आती आनी जानी हैं, कभी आती हैं कभी चली भी जाती हैं, हमेशा साथ रहें, कितना साथ रहें, ये कुछ पता नहीं होता। तो सबसे पहला जो परिचय होना चाहिए था वो असली पिता का होना चाहिए था। तो इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं, झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते परिचाया, कि झूठ परिचा दिया तुमने, ये बोल दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे माता हैं। तो अब बच्चा सिक्योर फील करता है, और वही माता पिता अगर किसी कारणवश छिन जाएं तो बच्चा तो बहुत दुखी हो जाता है। तो गलत परिचय हो गया, झूठे थे परिचाया। फिर कह रहे हैं, झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया, कि जैसे जो थाली है और भोजन है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है? शरीर के कॉन्टेक्स्ट में है। तो हमने जैसे फर्स्ट स्टेप में परिचय देते वक्त शरीर को अहमियत दे दी ना, मटेरियल को, और आत्म को अहमियत नहीं दी, तो उसी तरीके से शरीर को जब अहमियत दी तो थाली और भोजन को अहमियत दे दी। जब शरीर झूठा हो गया तो थाली और भोजन भी झूठा ही हो गया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ब्याह रचाया। अब देखिए, जब पहली सीढ़ी गलत हो गई तो पूरा रास्ता ही किस तरफ जाएगा? गलत के ही तरफ जाएगा। तो फिर कह रहे हैं कि झूठे के घर झूठा आया और झूठे ब्याह रचाया, कि अगर शरीर को केंद्र बना के सिर्फ शरीर आया है तो फिर उसी धारणा के चलते जो ब्याह भी होता है वो किसके लिए होता है? शरीर को पूरा करने के लिए। फिर वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि प्रेम है कि नहीं, मन मिलता है कि नहीं। ऐसे आपने बहुत विवाह देखे होंगे ना, जहाँ पे सिर्फ सामाजिक कि समय आ गया, आप शरीर का, शरीर परिपक्व हो गया तो शादी करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब अभी भी आपने क्या वैल्यू करा है? देह को वैल्यू करा है, देह के अंदर होने वाले हॉर्मोन्स और सिक्रीशंस और उसके अंदर उठने वाली डिज़ायर्स को वैल्यू करके ब्याह को जीवन में लेके आए। तो जब पहली गलती झूठ से शुरू हो गई तो जो उसका चक्कर भी आगे जो होता जाता है, केंद्र तो झूठ एक बार बन गया
तो उसके इर्द गिर्द घूमने वाला सब कुछ जो होगा वो झूठा होगा। तो पहला केंद्र क्या बन गया? शरीर। क्योंकि दैहिक माँ बाप को शरीर को ही तो देख के बोला कि ये मेरे माता और पिता है, तो शरीर केंद्र बन गया। अब बड़े हुए तो वही शरीर केंद्र बन के फिर जो ब्याह भी रचाया वो किसको केंद्र में रख के? शरीर को केंद्र में रख के। इसलिए फिर वो आगे बहुत कुछ जनता है, फिर उसमें ये नहीं देखा कि प्रेम है कि नहीं, त्याग है कि नहीं, तपस्या है कि नहीं, प्रेम में राम है कि नहीं। अभी आचार्य जी किन्हीं से मुलाकात कर रहे थे और MTM उनका चल रहा था, और 2-3 दिन पहले, और कुछ सेपरेशन पे बात आई होगी, किसी ने शेयर किया होगा, तो आचार्य जी उसमें कहते हैं कि सबसे अच्छा रिलेशनशिप वो होता है जिसमें 2 नहीं हो 3 हो, जिसमें 2 नहीं हो 3 हो, कि पति पत्नी और वो सत्य राम, तो पति पत्नी और वो, तो वही परफेक्ट रिलेशनशिप होता है जिसमें 2 नहीं 3 हैं। तो अगर ये देखा कि वो राम है कि नहीं रिलेशनशिप में, गॉड है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, ये नहीं देखा और सिर्फ शरीर को केंद्र बना के अगर ब्याह रचाया तो वो भी झूठा ही कहलाएगा, और बहुत जल्दी फिर उस ब्याह से मन भी उठ जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप में तीसरे का होना बहुत ज़रूरी है। उसका कोई भी रिलेशनशिप, माता पिता और बच्चे का भी रिलेशनशिप हो तो उन दोनों के साथ उसका होना बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी हो तो उनके भी बीच में रिलेशनशिप, उनके साथ तीसरे का होना बहुत ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में। हाँ, गुरु और शिष्य हो, शिक्षक हो और स्टूडेंट्स हो, उनके साथ भी उसका ट्रुथ का होना बहुत ज़रूरी है। झूठा दूल्हा झूठी दुल्हन झूठे ब्याहन आया, कि दूल्हा दुल्हन तो ये तो सामाजिक वो है, तो वैसे ही झूठे ब्याहन आया, झूठे नर सब झूठी नारी झूठे बालक आया, कि नर और नारी भी किसको बोल दिया? शरीर को ही बोल दिया, और शरीर भी झूठा है, तो झूठे भी नर हैं और झूठी नारी और झूठे बालक आया। कहने का मतलब कि झूठे रीजन से बालक को बुलाया है ना, शरीर के लिए कि मुझे प्लेजर मिल जाए, है ना। पहले ब्याह भी रचाया तो किसके प्लेजर के लिए? शरीर के प्लेजर के लिए। उसके बाद बच्चे को भी बुलाया तो क्या इस बात के लिए बुलाया कि मुझे एक ह्यूमन नर्चर करना है, जिम्मेदारी लेनी है, और वो ज़िम्मेदारी फिर बहुत ऊंची ज़िम्मेदारी हो जाती है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग रेस करने के लिए। खाना पीना देना, शेल्टर देना अलग बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो जाती है, उसको परम सिखा पाना बहुत मुश्किल का काम है। परम सिखा पाना, परम बता पाना, उसके लिए फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत, उसके लिए आपको बहुत घोटना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, और छान के दिखाना पड़ेगा कि कैसे इसको ये बात समझाई जाए, बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ी तपस्या लगेगी इतना। हाँ, वो FPP का आपका वीडियो था जो आचार्य जी की कविता आप समझा रहे थे अभी रिसेंटली, वो मैं सुन रही थी, माय डॉटर वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, हु इज शी, आचार्य जी की डिसाइपल है, मेरा स्टूडेंट है उनकी, जो बताया आचार्य जी से अच्छा समझाती उसे इतना अच्छा लगा, मतलब एंड आई वाज वेरी रिलीव्ड कि चलो उसको कुछ समझ में आया, नाउ आई विल स्टार्ट योर वीडियोस शी कैन लिसन। सब समझ तो लिया ना, उसको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, उसको बहुत अच्छा लगा, शी कुड कनेक्ट विथ यू, और आचार्य जी के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाती, आई वाज वेरी हैप्पी कि उसको कुछ मिला, मतलब नाउ आई विल स्टार्ट योर वीडियोस लाउडली सो शी कैन अंडरस्टैंड। चलिए,
अगर समझ आया, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे वो इस लेवल पे आ जाएगी, फिर आचार्य जी भी उसको समझ। हाँ वही तो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो उसको समझाने वाला कोई मिला, मैं बहुत खुश हो गई। आचार्य जी का तो हाइट और डेप्थ ऑब्वियसली उसको आचार्य जी का समझ में नहीं आएगा। उसी दिन बोल रहे थे क्या ऊर्जा ऊर्जा बोल रहे, विद योर वर्ड शी कुड वेरी इजीली, अच्छा चलिए बढ़िया, बेस बन गया इसका मतलब। आप उस बेस को नर्चर करिए। शी वाज नॉट लिसनिंग, शी वाज प्लेइंग कैंडी क्रश, बट आई नो सबकॉन्शियसली इट वाज गोइंग इन हर माइंड। नहीं, राइट टाइम पे, क्योंकि मेमोरी एक बार बन गई और संस्कार बैठ गए, चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने आप में एक प्रौढ़ तैयार हो जाता है ना एडल्ट, तो फिर उसको नहीं। तो अगर आपने बेस बन गया है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, और एफर्ट तो बहुत एफर्ट लगता है बच्चे को परम बताने में, क्योंकि परम दिखता तो नहीं ना। जैसे रोहिंतन जी बोल रहे थे कि आँख को तो आँख मटीरियल ही दिखेगी, मटीरियल को, अब परम दिखता नहीं, तो जो दिख नहीं रहा उसको बता पाने के लिए बहुत ऊंचाई चाहिए अपने में भी, और गहराई चाहिए। अगर वो ऊंचाई गहराई नहीं है तो फिर उसको सिखा पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ माँ बाप के लिए फिर चुनौती आ जाती है, उनको खुद को पहले इवॉल्व करना होता है, तभी वो दे पाएंगे बच्चों को भी। फिर कह रहे हैं कि झूठी छाती झूठी कोखी झूठा दूध पिलाया। मुझे लगता है कि ये भजन कभी किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करा, इंटरनेट पे भी इतना प्रचलित नहीं हुआ, कभी शास्त्रीय संगीत गाने वालों ने इसको उठाया नहीं और गाया नहीं, शायद इसीलिए कि उन्हें समझ में नहीं आया कि क्यों कबीर साहब कह रहे हैं कि झूठी छाती और झूठी कोखी और झूठा दूध पिलाया। उन्हें लगा कि ये बोलेंगे लोगों से तो लोगों को बुरा लग जाएगा, और वो शायद खुद नहीं समझे इस बात को, इसलिए उन्होंने गाने के लिए भी नहीं उठाया कभी इस भजन को। कह रहे हैं कि अगर सिर्फ तुमने दूध ही पिलाया, सिर्फ खाने पीने का ही ध्यान रखा, तो वो झूठा कहला गया, इसीलिए वो छाती झूठी है, वो कोख झूठी है, अगर सिर्फ खाने पीने मात्र का ही ध्यान रखे। अगर आपने उसका देह का, देह से बल आता है, तो बल का ध्यान रखा है, तो फिर उसके ऊपर बुद्धि आती है, उसका भी ध्यान रखना होगा, और बुद्धि के भी सबसे ऊपर बोध आता है। आपने बोध का अगर ध्यान नहीं रखा है तो फिर समझिए कि खाना पीना जितना खिलाया वो सब झूठा ही है, क्योंकि जो मनुष्य जन्म है वो तीनों तल पे चल रहा है, देह तल पे बल चलता है, फिर मन के तल पे बुद्धि चलती है, और बुद्धि के भी आगे जो बुद्धि को सही तरीके से चला पाती है वो है बोध, वो सबसे ऊपर की चीज़ है बोध। और उस परम का समझ पाना, अनंत का मिलना, आत्मा का मिलना, परम का मिलना ही बोध है, कि जब वो समझ में आने लगे। इसीलिए कबीर धन्यवाद कर रहे हैं गुरु को, कह रहे हैं कि लोचन अनंत उघाड़िया, तुमने मुझे वो आँख दे दी जिसमें अनंत दिख पाता है, जिससे तो वो इसका मतलब वो बोध की जागृति है। इसीलिए कबीर अपने गुरु को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं लोचन अनंत उघाड़िया। तो अगर सिर्फ खाना पीना खिलाया, कि खाने का ध्यान रखा, शेल्टर दे दिया, तो ये फिर झूठा कहलाता है, कहने का मतलब अधूरा कहलाता है, ये पूर्ण हुआ नहीं। और जो कुछ भी पूर्ण नहीं है वो क्या है? कुछ नहीं है, वो झूठ है। तो फिर इसलिए बच्चे को बोध के बारे में भी बहुत ज़रूरत है कि कैसे बताएं बोध, रियलाइजेशन क्या है, कैसे उसको हल्के से बताएं। और उसकी हो जाती है ट्रेनिंग, बचपन से ही शुरू हो जानी चाहिए, जैसे कुछ छोटी छोटी बातों का उसको हिंट देना शुरू कर सकते हैं आप। वो रोए किसी बात पे, चिल्लाया हो या वॉयलेंट हो गया हो या एग्रेसिव हो गया हो, तो उसके बाद फिर उसको हल्के से शांति में बैठा के उसको बोला जाए कि अच्छा अब तुम बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या आया, देखो, बस इतना ही बोल दिया तो आपने उसको एक डायरेक्शन दे दिया।
अब वो अपना काम धीरे धीरे खुद देखेगा, खुद करेगा, खुद समझेगा। जैसे कि जहाँ पे आप सत्य चर्चा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, अभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए वो सत्संग आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे सुनते हैं, आप यूट्यूब पे सुनते हैं, अगर उस समय कोई नॉइज़ हो जाए तो उसी नॉइज़ को उसके सामने गलत बता दें आप, तो समझ में आ जाएगा कि किसके सामने कौन सी चीज़ रिस्पेक्टफुल है, उसको पहले से ही रिस्पेक्ट देनी है। तो वो अगर डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे तो आपको देख देख के बच्चा अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगा। जहाँ भगवान है उसकी तरफ, वो तो उसको ज्ञान नहीं है, उसको मान लीजिए पैर रख दिया उसने, तो तुरंत उसको आप बोलिए कि यहाँ पैर नहीं, यहाँ तो सर झुकाते हैं। अब कहने में ये बात आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेडिशनल लगती है, और इसका बिल्कुल कार्ड भी बैठा है, अगर कोई आए उनसे मैं ये बोलूँ कि आप ऐसा करिए तो वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि किस तरफ भगवान नहीं है, जिस तरफ पैर करो उस तरफ भगवान है, तो ये बात बिल्कुल काटी जा सकती है, तुरंत काटी जा सकती है। लेकिन फिर भी उस बात के उस ज्ञान से उसको झुकना तो नहीं आ जाएगा ना, वो तो हमेशा ही जो सीखेगा वो सिर्फ तन्ना ही सीखेगा, और तनातनी में ही फिर लड़ाई झगड़े और ये सब होते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं किसी को कमज़ोर या दुर्बल होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि झुकना भी आना चाहिए, वो भी बुद्धि की पहचान है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि किस डायरेक्शन में भगवान नहीं है, तो पैर तो फिर सभी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस इधर से हटा के अगर इधर करें तो यहाँ भी है, ये उसको ढूंढने दीजिए ना कि किस डायरेक्शन में नहीं है, हर डायरेक्शन में है, ये उसको ये बात लेके आने दीजिए, उसको ये बात समझने दीजिए। लेकिन जब वो छोटा है तो उसको ये बात ज़रूर बताएं कि जहाँ पे विजडम बुक्स हैं, जहाँ पे विजडम की चर्चा हो रही है, वहाँ कौन से एटिकेट फॉलो करें, शांति के सारे पीस के एटिकेट फॉलो होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर वो पीस को धीरे धीरे अपने आप साइलेंस को सीखेगा और उसको दिख जाएगा कि हाँ, फिर साइलेंस की वैल्यू उसको अपने आप समझ में आएगी। बोल बोल के साइलेंस ज़्यादा नहीं बता सकते, वो बहुत ही समझिए लास्ट ऑप्शन है, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि बोलना अपने आप में नॉइज़ है। तो बोल के साइलेंस समझाना एक इनइफ़ेक्टिव तरीका है, सबसे लास्ट ऑप्शन है बताने का। वो ऐसा मानिए कि वो एक्सरसाइज ही ना करना पड़े आपको कभी, कि बोल के आप साइलेंस बता रहे हो, आप माहौल क्रिएट करके साइलेंस बताइए, तो वो अपने आप साइलेंस वैल्यू करना अपने आप सीख जाएगा। तो जब कभी नॉइज़ के साथ आएगा तो तुरंत उसको साइलेंस की वैल्यू अपने आप पता चलेगी। तो बुक्स के साथ और जहाँ पे भी ज्ञान चर्चा हो रही है, आप यूट्यूब पे कुछ सुन रहे हैं, वहाँ पे पहले से ही ऐसा मीडियम बना के बैठिए जहाँ साइलेंस पहले से है, तो अपने आप उसको कुछ नया लगेगा, कैची लगेगा, वो कैची होगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, तभी उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन की जा रही है, कि मॉम डैड उसके लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, रूम साइलेंट रहता है, एम्बियंस अच्छी रहती है, और कभी वो खुद बहुत नीट क्लीन रहते हैं, अच्छे रहते हैं, शांत रहते हैं, और तब बैठ के सुनते हैं, तो वो डिफरेंस वो खुद देखेगा, और देख के फिर उसको समझ में आएगा कि देर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन चाहिए होती है, एक प्लानिंग, एक हार्डवर्क चाहिए होता है, कुछ ऐसी नहीं, हल्की बात नहीं है कुछ, इट्स नॉट लाइक प्लेइंग विद अ टॉय। तो शुरू में संस्कार डालने के लिए ये आपको करना चाहिए, उसी से उसको फिर साइलेंस की वैल्यू पता चलेगी। मैंने बहुत स्कूलों में, दिल्ली में बड़े से जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ के नामी गिरानी, वहाँ मैंने ये सब क्लासेस ली हैं लाइफ स्किल्स में, और जो मैं क्वालिटी ऑफ किड्स देखती हूँ वो हॉरिबल है,
क्लासरूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉइज एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज़ वाई टीचर्स, दोज हू कैन शाउट ऑन देम, दोज हू कैन कंट्रोल देम इन अ ट्रिकी वे, दे आर अप्रिशिएटेड इन स्कूल्स, क्योंकि उन बच्चों को ट्रिक के तरीके से और कंट्रोल से, कि वो अपने आप कंट्रोल से मान जाएं, फिर ऐसे टीचर्स को हमें वैल्यू करना पड़ता है सिस्टम में. क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत नॉइजी है. तो देर हैज़ टू बी सम डिस्टिंक्शन. साइलेंस नहीं है तो ये समझिए आप सब लोग अलग ऊंचे ऊंचे फील्ड से हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा व्हाट इज़ क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी कैन नॉट कम विदाउट साइलेंस. नॉइज़ में क्रिएटिविटी का जन्म नहीं होता कभी भी. तो अगर बच्चे को साइलेंस से दूर रखा है तो समझिए कि क्रिएटिविटी से भी दूर रखा है. साइलेंस आपने सिखा दिया साइलेंट तरीके से, तो समझिए अपने आप उसका मन, उसकी इंटेलिजेंस खुद ही ज़्यादा है, वो क्रिएटिव हो जाएगा, निकल जाएगा. तो इसीलिए फिर बोध के बारे में सोचिए कि बोध कैसे जगाया जाए. हमारे पास अभी दो बच्चे हैं यहाँ और इनकी प्रॉपर एज है, आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. पहले आप खुद पढ़िए, खुद समझिए, क्योंकि अगर आप में हाइट और डेप्थ नहीं है तो वो आपकी ही हंसी उड़ा के निकल लेंगे. तो पहले आप अपने को एजुकेट करिए, पढ़ाइए, और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे हल्के फॉर्म में उन तक पहुँचाइए. तभी समझिए कि जिस बात को कबीर साहब कह रहे हैं, झूठी छाती, झूठी कोकी और झूठा दूध पिलाया, तभी वो सच होगा. अगर वो नहीं किया तो खाना पीना खिलाना वो सब झूठा कहलाए. साँच कहूँ मैं झूठ ना बोलूँ, साँचे को झुठलाया. कबीर साहब कह रहे हैं कि तुमने सच को झुठला दिया है. सच मतलब परम पिता को झुठला दिया है. मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा. साँच कहूँ मैं झूठ ना बोलूँ, साँचे को झुठलाया. कि पहले स्टेप में सच को झुठला दिया है. नर तुम झूठे जन्म गवाया. तो पहले स्टेप पे अगर झूठ को केंद्र बना लिया तो फिर जो उससे सब कुछ चलेगा वो झूठ होगा, और इसलिए फिर जन्म जो है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गवाया, फालतू गया. कहें कबीर सोई जन साचा अपने माही समाया. कबीर कहते हैं सिर्फ वही सच्चा है जो अपने में सेंटर्ड होना जानता है, जो अपने में फुलफिल्ड है, लोनली नहीं है. ये वाली टेंडेंसी नहीं है, ये लोनलीनेस की टेंडेंसी है ना, कि मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और तुम आके मुझे पूरा करो, बाहर से कुछ मुझे मिल जाएगा तो मैं सिक्योर्ड फील करूँगा. तो वी आर बॉर्न विद दिस इनकम्प्लीटनेस, और मैन की डेस्टिनी ही यही है कि ये इनकम्प्लीटनेस ना रहे, अपने माही समाया, कि उसको बाहर से इतना कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण है, और जो पूर्ण है उसके अंदर वो ऑपरेशनल होना चाहिए. हमेशा रोते तड़पते बाहरी चीज़ों में सुख पाते घूमते रहने को पूर्णता नहीं कहते. तो इसीलिए फिर ह्यूमन माइंड को एफर्ट करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या फॉल्स है, क्या राइट है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तब जाके वो पूर्णता में आता है और फिर शांति और आनंद रहती है. नहीं तो हमेशा इनसिक्योरिटीज़ और लोनलीनेस घेरी रहती है, डर.